यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, REMC, इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा, जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, सब ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन डेली कर रहे हो। मैं हमेशा क्लास शुरू करने से पहले, क्लास के बीच में या क्लास के एंड में हमेशा आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज रिवीजन जरूर करते रहो, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, ठीक है, हर कोई अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन हर कोई रिवीजन नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो रिवीजन नहीं कर रहा है उसका एग्जाम निकालना फिर टफ हो जाता है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, यहाँ तक हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और कैलकुलेशन भी आपको समझ आ रही होगी। कैलकुलेशन तो क्या ही है, नॉर्मल चीजें हैं, अगर आपने अच्छे से अपनी कैलकुलेशन बना रखी है तो क्वेश्चन तो आपको फिर नॉर्मली लगेंगे, है ना। चलो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो बढ़िया से और फिर करने का ट्राई करो, ठीक है। इन हाउ मैनी ईयर्स, समझ आ गया होगा आपको कि हमें क्या फाइंड करना है ना। जैसे मैंने लिखा इन हाउ मैनी ईयर्स, डेफिनेटली आपको समझ आ गया हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। सम ऑफ रुपीज 500 500 एट 5% पर एनम, ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। 5% पर एनम will amount ₹600। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे आप लोग, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और करना भी चाहिए। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, चैट को मैं कर लेता हूँ प्राइवेट। चलो बताओ क्या क्या आंसर आ रहा, क्या क्या आंसर, सब लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। सब लोग ट्राई करो आंसर करने का, सार्थक, सरन्या, अभिनव, माधव, बढ़िया से सब लोग अपना आंसर करो, बाकी लोग का है। चलो करो करो भाई, निकालो आंसर, निकालो आंसर, निकालने का ट्राई करो, आंसर निकालने का ट्राई करो कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ रुपीज 500 एट 5% पर एनम विल अमाउंट रुपीज 600।
निकालो। देखो मैंने आपको पहले ही बोल रहा था, मैं जब भी आपको क्लास करवाता था मैं हमेशा बोलता था कि आप अपनी जो आपकी नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है उनको एक बार ही अच्छे से क्लियर कर लो, है ना। वो अगर अच्छे से हो गया तो आगे आपको कम टाइम देना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोलता था, इसीलिए बोलता था क्योंकि आप लोग देख लो जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं हर क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशंस आ रही है। आप जो गलत कर रहे हो कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो, क्वेश्चन फास्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं है, है ना। इसलिए बोलता था कि यहाँ जितना ज्यादा हो सके टाइम दे दो बेसिक कैलकुलेशन को समझने में, सिंप्लीफिकेशन को समझने में, है ना, जो आपके फ्रैक्शन वगैरह थे उनको अच्छे से समझने में, उनको रिड्यूस रिड्यूस एचसीएफ एलसीएम उनको अच्छे से समझने में अपना जितना ज्यादा टाइम हो सके उसको दे दो। वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे जितने भी चैप्टर होंगे वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। और अगर आपने अपनी बेसिक कैलकुलेशन ही सही से नहीं करी तो आगे आने वाले चैप्टर आपको बहुत टफ लगने वाले हैं, ठीक है भाई। आगे आने वाला चैप्टर आपको बहुत ही टफ लगने वाले गाइस, तो प्लीज अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है, पूरा पूरा आपके पास अभी भी समय है। ट्राई करो बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे से करने का, जो लेक्चर करवा रखे उनको अच्छे से देखने का, कुछ भी दिक्कत होती है मैं हूँ, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो ठीक है, आंसर भी आ गया एक। आपने क्या करना था इसमें, आपको बोला इन हाउ मेनी ईयर, तो आपको क्लियर इतना तो समझ आ गया कि सर मुझे टाइम फाइंड करना है। अ सम ऑफ रुपीज 500, 500 का सम है, इट मीन्स ये 500 क्या है, प्रिंसिपल है, ये भी क्लियर हो गया आपको। एट 5% पर एनम, ये भी आपको क्लियर हो गया कि 5% क्या है, यहाँ पे ये रेट है, ठीक है। अब ये आपको समझने की जरूरत थी 5% पर एनम पे विल अमाउंट ₹600, कि जो ये यहाँ पे सम है 500 का, अगर ये 5% के रेट पे हम दे रहे हैं तो ये कितने टाइम में 600 बन जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है एक है प्रिंसिपल, ठीक है, और अगर मैं प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसे मैं प्रिंसिपल में जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो जो ये अमाउंट है ये वही अमाउंट है कि हमने प्रिंसिपल में जोड़ा होगा इंटरेस्ट, तो हमें ये अमाउंट मिलेगा, समझ रहे हो बात को। तो जो ये 600 है, ये 600 क्या है, ये 600 है आपका क्या, अमाउंट, ये 600 क्या है, अमाउंट है। आपको क्या निकालना है, टाइम आपको निकालना है, या तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा लो, या एस आई इंटू 100 सीधे से टाइम का फॉर्मूला लगा लो, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी आर, ये तो क्लियर हो गया आपको। देखो क्वेश्चन में एस आई नहीं दे रखा है, अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो सर मुझे एस आई भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, रेट भी पता होना चाहिए। प्रिंसिपल दे रखा है 500, रेट दे रखा है 5%, लेकिन एस आई नहीं दे रखा है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 500 एंड अमाउंट दे रखा है 600। ये तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला ना कि सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्लस ही हो रहा है। मुझे यहाँ से एस आई निकालना है, एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। हालांकि ये मैं जस्ट आपको फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ, आप तो देख के ही बता दोगे कि इंटरेस्ट कितना है, ये तो समझ रहे हो। अगर प्रिंसिपल मेरे पे 500 है और वो अमाउंट वो 600 बन रहा है कुछ टाइम बाद, तो सिंपल सी बात है वहां पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 600 माइनस 500, 100 इंटरेस्ट आपको सीधे सीधे दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। फिर मैं फॉर्म टिकट लिखवा दे रहा हूँ, 600 माइनस प्रिंसिपल है 500 इज इक्वल टू एस आई, तो एस आई जो हमें यहाँ से मिल गया वो कितना मिल गया, वो हमें मिल गया यहाँ पे 100, वो हमें मिल गया कितना, 100 हमें यहाँ से एस आई मिल गया, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख लेनी है। टी इज इक्वल टू एस आई कितना है, एस आई कितना है 100 है, इंटू मैं ये फिर आपका 100 है, प्रिंसिपल कितना है 500 है, इंटू मैं रेट कितना है, रेट है 15, ठीक है, सॉरी रेट है 5, रेट है 5, देख लो अपने हिसाब से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से 100 कैंसिल, 5 20 जा 100, फिर 5 से 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, ओवरऑल क्या बचा, 4 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है, क्लियर है। ऐसे करना था, सिंपल था, सबने कर लिया, आगे निकले, आगे चले। देखो इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो जैसा भी है उसे छोड़ो, आप अगर क्वेश्चन को समझ गए तो फंस का रहे हो आप, ये पूरी की पूरी बेसिक कैलकुलेशन पे आप फंस रहे हो, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है पहले से, जो कि मैं आपको बार बार बोलता था, इसीलिए मैंने आपको पहले हर एक चीज करवा ली थी ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परेशानी तो रहोगे, क्वेश्चन कैलकुलेशन में आप लोग फंस जाओगे फिर, ठीक है। चलो आगे निकले, ओके सर, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सबने नोट कर लिया, नोट किया आपने, आंसर भी निकाला होगा, आपने आंसर भी निकाला होगा। फिर आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड
सिंपल इंटरेस्ट, आज लास्ट क्लास है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आज। फाइन एसआई इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पहला स्टेप क्या है, इन क्वेश्चन को आपको बार बार करना है, अपने रफ नोटबुक में इनको लिख लो, मेन नोटबुक अपने बंद कर लो, अपने आप से उनको करने का ट्राई करो, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन गलत हो रहा, उसको फिर नोट से देख करके सही करने का ट्राई आपको करना है, ठीक है। चलो तो फाइन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000, ऑन रुपीज 5000 एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, रेट हमें देखा है कितना, 7 होल 1/2%, 7 होल 1/2%, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड, पीरियड तो समझ ही रहे होंगे है ना, ऑफ 3 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, बताओ। Find simple interest on rupees 5000 at the rate of 7.5% for a period of 3 years. क्या होगा? सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, और लोग भी करने का ट्राई करो भाई, तुम लोग कब करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। सार्थक भी बहुत हल्के में चल रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है सार्थक भी, आप और अभी ना आंसर करो यार, क्योंकि नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अभी तुम हल्के में ले रहे हो ना, बाद मैंने तुम लोग बहुत लोड दे देना है बाद में, क्योंकि तुम लोग हल्के में चल रहे हो तो बाद में मैंने तुम लोग बहुत ज्यादा लोड दे देना है, ठीक है, तब मत बोलना कि सर आप कैसे करें, ठीक है, अब वही करना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। पानी खूब पिया करो भाई, ठीक है, वैसे भी आजकल गर्मी है, पानी खूब पिया करो, निकालो आंसर। अभी तक नहीं आया आंसर, कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन चाहिए तगड़ी। फाइंड ऐसा, इतना तो क्लियर हो गया कि सर मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है ऑन रुपीज 5000, सब प्रिंसिपल हमें बहुत बढ़िया दे रखा है, 5000 प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ, जो रेट मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7.5%, ठीक है, रेट कितना दे रखा है, 7.5, तो इसे हम सॉल्व कर रखे, 7 2 14, 14+1 15/2%, ये हो गया। कई बच्चों को अभी तक ये करना नहीं आया होगा, जबकि कितने बारी फ्रैक्शन में कितना अच्छे से समझा रखा है ये, है ना, बार तब से तो हर चैप्टर में ये चीज आ रही होगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया, हर जगह ये चीज आ रही है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, ईयर है तो वो टाइम हो गया है ना, वो तो आपको पता है, पीरियड मतलब टाइम ही होता है, किसी समय अवधि कि कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए। फॉर्मूला आप लगा लोगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, रेट कितना है, रेट है 15/2, तो मैंने आपको बता रखा है, ये नीचे चला जाएगा बस, इंटू टाइम कितना है, 3 ईयर है, और इसके साथ ये 100 मल्टीप्लाई होना है, सारा चीज बता रखे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 कैंसिल, 25 हो जाएगा। अभी के लिए हमें यहाँ पे जो बचा वो बचा कितना, 25 × 15 × 3, अपने हिसाब से कोई सी भी एक कैलकुलेशन आपने कर लेने, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसा मत कर लेना, ठीक है, ऐसा मत कर लेना जल्दीबाजी में कि सर हमें ये आसान दिख रहा है, हमने करा 25 × 15 = 45, ऐसा कर लिया अब आप यहाँ पे फंस जाओगे ना, अब आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि आपको 25 की प्रॉपर अच्छे से टेबल नहीं आती है, किसी को तो आती भी होगी तो बहुत बढ़िया है, और आपको 45 की भी टेबल नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है, हमें 15 की टेबल आती है, 15 और 25 को कर लो, 15 × 5 = 75 का 5 carry 7, 15 × 2 = 30, 30 + 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू में फिर क्या है, 3 है, फिर आपको 3 की टेबल भी अच्छे से पता है ना, 3 × 5 = 15 का 5 carry 1, 3 × 7 = 21, 21 + 1 = 22 carry 2, 3 × 9 = 9, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 1125 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपके आए भी थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही थे, माधव का सही था वेरी गुड, सरन्या का सही था वेरी गुड, अभिनव का भी सही था वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर सही थे। अच्छा ये तो अभी बताया अभिनव ने, अभिनव के आंसर जैसे मैं कर देता हूँ तभी अभिनव के आंसर आते हैं, पता नहीं क्यों, अब अपने आप करता है कि आंसर कॉपी करता है, मुझे नहीं पता। जी अभिनव पहले आंसर दे देगा, उसी मैं मानूंगा हाँ भाई अभिनव बढ़िया क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलो बाकी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करते रहो, ओके, सार्थक पता नहीं कहाँ सोया रहता है, ओके, आगे निकले, चले निकले, बताओ, नोट हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे करना है क्वेश्चन, देख लो।
इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, आपको लग रहा होगा हाँ सर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो इजी है, नॉर्मल है, हम फंसेंगे तो कैलकुलेशन पे फंसेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट, क्लियर हो गया आपको कि सर हमें फाइन क्या करना है ना। एट व्हाट रेट अ सम ऑफ रुपीज, एट व्हाट रेट अ सम ऑफ रुपीज 6,000, 6,000 विल अमाउंट, 6,000 विल अमाउंट टू, विल अमाउंट टू रुपीज, रुपीज 7,800 इन 5 ईयर, 7,800 इन 5 ईयर। ये भी देखो अभी हमने करा इस टाइप का क्वेश्चन, अभी हमने करा है कुछ देर पहले, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा है अभी, है ना। अभी हमने इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन करा है, सेम टाइप क्वेश्चन, सेम टाइप का लगभग लगभग। बस यहाँ पे हो सकता है कि रेट दिया हो, यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है, तो देख लो अपने हिसाब से कैसे करना है, निकालो जल्दी। एट व्हाट रेट, कौन से रेट पे 6,000 का सम 7,800 हो जाएगा, टाइम है 5 ईयर, टाइम है 5 ईयर। चलो ट्राई करो, निकालो भाई ट्राई करो। और यार कभी भी ना आप लोगों को क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आई मीन डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। पहली बात तो जो ये क्वेश्चन है ये आपके लेवल के लिए ही है, ये आपके लिए ही बनाए गए हैं, है ना। जो ये काउंसिल होती है ना, ठीक है, या जिसे आप NCERT कह सकते हो, है ना, जो पूरा ये ग्रुप रहता है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इस सिलेबस को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कि भाई आपके हिसाब पे आपके लेवल के लिए आपके एज ग्रुप के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका सिलेबस रहेगा, है ना। ऐसा तो है ना कि एक बहुत बड़ी चीज आपको दे दी है ना, वो पूरा एनालिसिस करके आपको बनाया जाता है कि हाँ भाई इस लेवल के बच्चे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो हिम्मत रख सकते हैं कि वो ये क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करोगे, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा कैसे करना, मेथड बता दिया, पूरी कैलकुलेशन भी आपको बता दी, वो आपको पता भी है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप जब तक खुद से नहीं करोगे, अपने आप से स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप फिर समझ नहीं पाओगे कि भाई हमें करना कैसे है। अभी तो आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, अभी तो मैं कर रहा हूँ, या अभी तो हम लोग मिल करके कर रहे हैं, आपको अपने आप कर रहा है। एग्जाम में तो आप अकेले जाओगे कि किसी और को लेके जाओगे, ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है। तो ट्राई करो प्लीज कि प्रैक्टिस करने का, रिविजन करने का, जितना हो सके करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। चलाने लग गया, दो आंसर तो आ गए, दोनों सेम आंसर आए, आई होप सही होगा। एट व्हाट रेट आपको फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, सम ऑफ रुपीज वो प्रिंसिपल दे रखा है कितना 6,000, ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 7,800 एंड टाइम दे रखा है कितना 5 ईयर, हम पे यहाँ पे टाइम दे रखा है। मुझे फाइंड क्या करना है, रेट, रेट का फॉर्मूला सबको पता है, SI × 100 डिवाइडेड बाई P प्रिंसिपल एंड T, लेकिन हमें SI नहीं है, तो हमें पता है सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ से मैं SI इज इक्वल टू निकाल लूंगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अमाउंट कितना है 7,800 है, माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 6,000 है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, SI 0,0,81,1,800 हमें यहाँ पे क्या मिल गया, SI मिल गया। बाकी आप लोग जब एग्जाम में इसे करने जाओगे तो आपकी तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे माइंड में करना है कि भाई हमने अगर SI निकालना है तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लूंगा, आप सीधे इसमें से इसको माइनस करोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर स्कूल के एग्जाम आएंगे वहां तो सारा कुछ ये लिखना होता है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर निकालो, ओके। चलो फिर क्या है आपका, रेट क्या है आपका, यहाँ पे SI कितना आया, SI आपका 1800 इंटू में 100, ये हम फॉर्म में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, बीच में मल्टीप्लाई होगा आपको पता है, टाइम कितना है 5 ईयर है, 0,0,0,0 कैंसिल, 6×3 = 18 हो गया, ठीक है। एंड फिर देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से आपने 100 कैंसिल कर दिया, 5×20 = 100, ठीक है, 5×20 = 100। तुम लोग क्या आंसर अलग क्यों आ रहे, मैंने गलत करा, अच्छा प्रिंसिपल 6,000 है, वही मैं बोलूं कि इतना कैसे हो गया,
प्रिंसिपल क्या है? 6000 है। प्रिंसिपल कितना है? 6000 है। वही मैं बोला ऐसा कैसे होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 3 जा हो गया कितना 18, एंड 5 2 जा हो गया यहाँ पे 10। रेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 × 2 बचा, 3 2 जा कितना हो गया 6% आपका रेट आ गया। वही मैं बोलूँ कि आपका आंसर 6 दे रखा था, लेकिन गलत कैसे हो गया, ठीक है। 10 कैसे आ गया सर, तक कहाँ गलत कर दिया, 10 नहीं आएगा 6 आएगा। ये है हर क्वेश्चन में, देखो ऐसे चल रहा है, हर क्वेश्चन में आप लोगों का ऐसे चल रहा है, लेकिन सर हम कर ही नहीं रहे हैं, तो कब करोगे, कब करोगे, ठीक है। गर्मी अभी इतनी आ गई, हम लोग का आंसर कब आएगा, चले आगे करें, आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, आगे बताओ। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा तब आएगा ना जब करोगे, क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो मजा कहाँ से आएगा, फिर तो सजा मिल रही होगी, है ना, फिर तो सजा मिलेगी। चलो बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करते हुए चलो। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम विल इट, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर, विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ, टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपी 450 टू यील्ड, यील्ड मतलब मिलना, प्राप्त होना, ठीक है, टू यील्ड रुपीज 180 एज इंटरेस्ट, ₹180 एज इंटरेस्ट एट 4.5%, ये पॉइंट है, एट 4.5% पर एनम, 4.5% पर एनम, ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, बताओ। करो ट्राई करो कि हाउ मच टाइम, पहले तो क्वेश्चन को समझना है, विल इट टेक फॉर एन अमाउंट, एक अमाउंट है हम पे ₹450 का, यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पता क्या कर दिया, स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा दिया। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन तो सिंपल रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाएगा। अब चाहे वो स्टेटमेंट से बनाया जाए, या उसमें जो कैलकुलेशन होगी उससे बनाया जाए, या उसमें जो नंबर दिया होगा, जो वैल्यू दी गई होगी उससे बनाया जाए, यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट बना दिया ताकि बच्चा थोड़ी थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि यार इसको कैसे करना है। अब होता ही है, थोड़ा तो होता ही है कि भाई पॉइंट वाला है, हम थोड़ी असहज हो जाते हैं, थोड़ा अनकम्फर्टेबल हम हो जाते हैं, है ना। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो बिल्कुल धमाकेदार तरीके से कर लेगा, उसे तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी क्या ही कह सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका तो लफड़ाई चलेगा, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। चलो हिंट दे देता हूँ मैं आपको हल्की फुल्की, कि हाउ मच टाइम, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सर मुझे टाइम निकालना है, ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज। आप देखो यहाँ पे ये अमाउंट लिखा है, तो ये मत समझना कि अमाउंट है, ये मत समझना कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही है, थोड़ी आपने स्टेटमेंट को भी समझना है। यहाँ पे बोला है कि हम पे एक अमाउंट है, मान लो कुछ भी हम पे पैसा है, वो कितना है ₹450, तो वो सीधे सीधे यहाँ पे इसने क्या होना है, प्रिंसिपल होना है। प्रिंसिपल कितना है 450 है, ठीक है, एक अमाउंट है, कुछ पैसा है हम पे 450 है, टू यील्ड, यील्ड मतलब मिलेगा, कितना मिलेगा 81 एज इंटरेस्ट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बन गया, वो 81 बन गया, और रेट आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 4.5% दे रखा है, बस। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आपको निकालना क्या है, टाइम, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई PR, सारी वैल्यूज तो आपके पास हैं, समझ रहे हो, यही तो क्वेश्चन है ना, कि कितना टाइम लगेगा कि हम पे ₹450 है, ठीक है, और हमें इंटरेस्ट चाहिए 81, रेट है 4.5%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लग रहा है बस, तो रख दो वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू कितना होगा 100 है, ऐसा इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल,
बैठे भाई प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 450, 450 इंटू रेट, रेट कितना है? रेट है 4.5। SI की वैल्यू भी लिख लेते हैं ना, SI की वैल्यू भी लिख लेते हैं। SI की वैल्यू कितनी है? SI की वैल्यू है 81। ठीक है, ओके। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एट, चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, अपने हिसाब से करना है आपको, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेट अपने हिसाब से करना है, लेकिन जहाँ फास्ट हो। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब सर अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, मुझे पॉइंट थोड़ी अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा है, तो मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो मैं इसे क्या लिख दूँ, 81 इंटू, ठीक है, या पहले हम इसको अभी कट नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ी अच्छा दिखेगा इसलिए बोल रहा हूँ, कर सकते हो लेकिन अच्छा दिखाने के लिए, 81 इंटू 100, ये ऐसा था, ठीक है, डिवाइड बाई 450। आपको पता है यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं क्या कर लूंगा, ऊपर में एक जीरो लगा लूंगा, मतलब 10 मैं ऊपर लिख लूंगा, ये हमने डेसिमल में सारा कुछ सीख रखा है। ठीक है, ओके, अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, जीरो से मैंने यहाँ जीरो को कैंसिल कर लिया। आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि सर मुझे 9 के टेबल पता है, सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, 9 के टेबल मुझे पता है, 9 9 जा हो गया 81 एंड 9 5 जा हो गया 45, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। 9 से मैंने इसको इसको कट कर दिया, ओके ओके। अब देख लो फिर आप बोलोगे कि सर जब ऐसा कर ले तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, कैसा, कि मैंने 9 से 45 को कैंसिल कर दिया, 9 5 जब 45, मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर आप बोलोगे कि सर मैं फिर इस 5 से या इस 5 से इस 100 को भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, 520 जा हो जाएगा 100। फिर मैं तो अब थोड़ा घिजड़ पिजड़ हो गया, 20 को मैं लिख लेता हूँ, 20 बचा ऊपर और देखो कुछ भी नहीं बचा, और नीचे बचा सिर्फ ये वाला 5, आप डिवाइड करोगे 5 4 20, तो टाइम हम पे मिल गया कितना, 4 साल का मिल जाएगा, 4 ईयर मिल जाएगा, 4 ईयर मिल जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी दिक्कत हुई तो बताओ, बोलो। बोलो 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 बोलो, ऐसा करना था, बाकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से चलोगे, कैलकुलेशन क्या मैं कहाँ से कितना फास्ट हम कर सकते हैं, कोई किसी से काटेगा, कोई किसी से काटेगा, मैंने तो डायरेक्ट काट लिया। ठीक है, तो किसी का इसमें आंसर है 2 ईयर, कर दिया गलत, माधव अभिनव ने भी गलत करा, 2.5, शरण्या का सही था 4 ईयर, शरण्या का सही था, गुड, ऐसे करना है भाई, मैं बोल दिया ना कैलकुलेशन में फंसोगे। अब देख लो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे, इस क्वेश्चन को देख लो, माधव ने सही आंसर दिया था, इस क्वेश्चन को देख लो माधव ने सही आंसर दिया था, इस क्वेश्चन को देख लो माधव ने सही आंसर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों हुआ, जबकि फॉर्मूला टाइम वाला ही लग रहा है, गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 पॉइंट पॉइंट वाला आ गया, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ है नहीं, रिविजन आप कर नहीं रहे हो, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर नहीं रहे हो, ऐसे गलत होगा, जबकि आपको क्वेश्चन आता था, कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर था, लेकिन ऐसे होगा, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, और वो आपको ही करना पड़ेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, उसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता यार, मैं आपको बार बार बोल सकता हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप खुद से नहीं करोगे तो परेशान ही रहोगे, कितनी बारी मैं आपको बोलूँ, कितनी बारी बोलूँ आपको, चलो निकले आगे, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करना था, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो भाई प्रैक्टिस करो, फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड, देखो इस बारे आपको प्रिंसिपल फाइंड करने को भूल गया, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना है, व्हेन, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 80, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 80, रेट दे रखा है, रेट इज 40% एंड टाइम इज, एंड टाइम दे रखा है 6 मंथ्स, एंड टाइम इज 6 मंथ्स, टाइम 6 मंथ देर का है,
पर द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 80, रेट इज 40% एंड टाइम इज 6 मंथ। बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, निकालो, सिंपल क्वेश्चन है, निकालो। सब कुछ आपको दे रखा है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओ। प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबको पता है, SI into 20। देखो हर जगह सेम फॉर्मूला चल रहा है, बस नीचे थोड़ी वैल्यू चेंज हो जा रही है। RT लिखो, TR लिखो। SI कितना दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 80। सिंपल इंटरेस्ट 80 है, इंटू में ये आपके यहाँ पे 100 है, डिवाइड बाई रेट, रेट कितना है, रेट 40% है, इंटू में टाइम कितना है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इतना आपने कर लिया। अगर आपको एक चीज समझ आ रही होगी, यहाँ पे टाइम दे रखा है 6 मंथ, और मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होगा, मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होगा, टाइम हमेशा 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 एनुअली होगा, ठीक है। टाइम ने हमेशा क्या होना है, एनुअली होना है, साल में होना है, और यहाँ पे मंथ में है, वो ईयर में होना चाहिए टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 मंथ, हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं इसे कर लूंगा 6/12। अब ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ईयर हो जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, इसे मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ, 6 1 6, 6 2 12, तो ये फाइनल हमें मिल गया 6 ईयर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि सर ये हमें टाइम मिला 1/2 ईयर, 1/2 मतलब हाफ, ये आधा है ना, 1/2 ये आधा है, और आधा साल हो गया आपको पता है, 6 महीने मतलब आधा साल होता है ना, इस बात को समझते हो, 12 महीने का 1 साल होता है, 6 महीने का आधा साल हो गया, हमारे कैलकुलेशन भी आ गया आधा साल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, अगर हम देखो मंथ है, मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ईयर है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 साल, 2 साल में कितने महीने होंगे, आप क्या करोगे, 2 into 12, 24 महीने होंगे, है ना। लेकिन अगर हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से फिर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके, इतना कर लिया आपने। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने टाइम के क्या रख दिया, टाइम का मैंने यहाँ पे रख दिया कितना, 1/2 रख दिया, टाइम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/2 मैंने यहाँ पे कर दिया इसको टाइम, ठीक है। अब या तो आप पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, आप पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वो चीज आप देख लो, 40 into 1/2 है, इस 2 से मैंने 40 को कैंसिल कर दिया, कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू देख लो 80 into 100 upon में क्या है, 2 से 40 डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, हमने उसे डिवाइड कर लिया, 80 बन जाएगी, 20 बन जाए, आप कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर है। किसी भी एक 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 2 4 8 कर लो, एंड प्रिंसिपल 4 into 100 करोगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 400 आपको मिल जाएगा, आंसर आ गया आपका 400। बताओ आ गया 400, वेरी गुड, मतलब आपका 100 आया, 100 कैसे आया अभी, 100 कैसे आया, 100 कैसे आया, बाकी अपने हिसाब से कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करोगे, बताओ क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। बोलो, आगे चले, ऐसे करना था, कैलकुलेशन है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो देख लो फंसते रहोगे क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मजा आ रहा होगा आपको लोगों को क्वेश्चन करने में, ठीक है। फाइंड द सम, सम आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी। अब आपको क्लियर हो गया, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ मनी, सम लिखा होगा प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी विच गिव्स, जो देगा, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है यहाँ पे, है ना, विच गिव्स रुपी 1 एज इंटरेस्ट, सिर्फ 1 रुपये इंटरेस्ट देगा, ठीक है, 1 एज इंटरेस्ट पर डे, 1 एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ, पर डे एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, पर एनम
सिंपल इंटरेस्ट। चलो बताओ, क्वेश्चन सिंपल है। सम हमें फाइंड करना है जो कि हमें इंटरेस्ट देगा कितना, 1 रुपये देगा पर डे के हिसाब से। अब देख लो, इंटरेस्ट आपको बोला कि पर डे, ठीक है। वन एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। बताओ, लगा लोगे दिमाग? अब देखो दिमाग कैसे लगाना है। हमें बोला फाइंड द सम, तो हम समझ गए हमें प्रिंसिपल तो फाइंड करना है ऑफ मनी विच गिव रुपीज 1 ईच। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है या जो ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट है जो, वो कितना है? वो दे रखा है ₹1, ठीक है। ₹1 दे रखा है, लेकिन ये कैसा दे रखा है? पर डे, एक दिन के हिसाब से। एक दिन में 1 रुपये। मैंने आपको बता रखा है कि जो रेट होता है वो ईयरली होता है, और रेट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है ना। जो टाइम होता है वो भी ईयरली होता है, समझ रहे हो? अब जो इंटरेस्ट लग रहा है ये टाइम के हिसाब से और रेट के हिसाब से लगता है, तो रेट भी आपका ईयरली होता है, टाइम भी आपका ईयरली होता है, तो इंटरेस्ट भी हमें ईयरली ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ईयरली कैलकुलेट करना है। अगर एक दिन में 1 रुपये मिल रहा है तो हमें ईयर का करना है, ठीक है। एक दिन में 1 रुपये, तो 1 साल में कितना होगा? आपको पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। हमने क्या कर रहा है, 1 × 365 डेज। एक दिन में अगर 1 रुपया है तो 365 दिन में कितने रुपए? 365 × 1 करोगे तो ₹365 हो जाएगा। बताओ, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे यहाँ से इंटरेस्ट निकला, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे थोड़ा अलग करना था। ये हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट निकला ₹365, ओके। फिर आगे चलो, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। रेट कितना है यहाँ पे? रेट यहाँ पे 10% दे रखा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन टाइम दे रखा है। टाइम को आपने मान लेना है कि टाइम है। टाइम कितना है? देखो, हमने इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से हमने इसे 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, तो ऑब्वियसली टाइम भी फिर हमने 1 साल ही करना है, तो टाइम भी कितना होना है? 1 साल होना है। अब निकालो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI × 100 डिवाइडेड बाई PT। PR नहीं, RT होगा ना, RT, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI कितना आ गया? 365 आ गया, इंटू में ये 100 है। रेट कितना है? रेट आपका 10%, इंटू में टाइम कितना है? टाइम 1 है। 0 से 0 कैंसिल, आपका प्रिंसिपल आ गया, यहाँ तो 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। 365 × 10 है, तो इसके पीछे 0 लगा दो, मल्टीप्लाई करना तो सबको सिखाई रखा है। 365 0 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आया था आंसर? बताओ, आया था? नहीं आया किसी का? थोड़ा स्टेटमेंट अलग थी, थोड़ी है ना, स्टेटमेंट अलग थी, ऐसे ही रहता है। बोला बोल रहा मैं आपको बार बार, है ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा अलग टाइप से पूछा जा सकता है। उससे क्या होता है, चेक होगा ना कि कौन स्टूडेंट का माइंड किस लेवल पे है। हमें तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं, एग्जामिनर वही तो ज्यादा कि आपको थोड़ी अलग से सोचना है ना। नहीं तो फिर सब नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसे तो हर कोई कर लेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लोग हल्की फुल्की न्यूज में अगर रहते होंगे, या आप हो सकता है कि आपके घरों में, या आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपने कहीं सुना होगा, आज का नीट का एग्जाम होता है ना, नीट सुना है आपने? मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है, NEET, नीट सुना है आपने? मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है नीट का, ठीक है, नीट सुना है किसी ने? बताओ, नीट सुना है किसी ने? सुना होगा ना? हाँ, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा कुछ रहता है। ये क्लियर नहीं हो रहा, या ऐसा रहता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ फुल फॉर्म रहती है इसकी, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है इसका। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कुछ स्कैम करके हो गया है, कुछ की उन मतलब कि पेपर में कुछ लफड़ा हो गया है, कहीं पेपर लेट मिला, कहीं कुछ मिला, तो आज का इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। आजकल नेट का रिजल्ट आया था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बुझ चुके, फुल मार्क्स आ गए बहुत सारे उसका। भले आपको ये जानना जरूरी नहीं है, पर चलो न्यूज है तो आपका भी क्या, आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें 720 का पेपर होता है, ठीक है। जो नेट का एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है, 720 मार्क्स का होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आ गए, 720 से 720 मार्क्स आ गए। अब उसमें सेलेक्शन कैसे होगा बताओ, है ना। अगर तुम लोग यहाँ पे मान लो कहीं पे 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे हैं,
और जहां उनका सिलेक्शन होना है वहां मान लो सिर्फ 10 सीट है, वहां 10 सीट है, ठीक है। अब 720 नंबर आ गई, ठीक है, 20 बच चुके, 720 नंबर आ गई और सीट है सिर्फ 10, तो फुल नंबर लाने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं होगा। अभी आपको हालांकि चीज समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं बने, ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, उसे हर कोई बच्चा करेगा, हर किसी के फुल मार्क्स आएंगे, तो फिर हम सिलेक्शन कैसे लेंगे। इसीलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, वो थोड़ी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन डाल लेंगे, थोड़ी हाई लेवल के वो क्वेश्चन डाल लेंगे, है ना। अब उसे तो जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी वही करेगा, पर आपको पता है हर कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता है। आप लोग ही देख लो कितना हल्के में चल रहे हो आप में से कुछ बच्चे, है ना, किसी के आंसर हमेशा आ रहे, किसी के कभी भी आंसर नहीं आ रहे, समझ रहे बात को, तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। इसीलिए एग्जामिनर चाहता है कि हम किस तरीके से थोड़ी क्वेश्चन को उलट पुलट कर दे ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और फिर हम सेलेक्शन करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए क्लियर हो गया आपको, आगे निकलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सम ऑफ मनी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बिकम्स, सम ऑफ मनी बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, थ्री टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर। अब देखो फिर से बहुत घुमा दिया अब आपको स्टेटमेंट, ठीक है, इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, निकालो, ट्राई करो। पहले क्वेश्चन नोट करो फिर समझाता हूँ, क्वेश्चन नोट करो फिर समझाता हूँ। सम ऑफ मनी बिकम थ्री टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। सम ऑफ मनी, कुछ मनी है, सम है, क्या है ये, प्रिंसिपल है, ठीक है। बिकम थ्री टाइम ऑफ इट सेल्फ, वो अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है, अपने आप का 3 टाइम वो हो गया, ठीक है, इन 4 ईयर, 4 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट पे, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना। ये थोड़ी ट्रिकी टाइप क्या क्या, ये आपके लिए हाई लेवल का है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे करना है पूरी दिमाग लगाओ। हिंट मैं आपको देता, पहले नोट कर लो क्वेश्चन नोट हो गया तो फिर मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर कैलकुलेशन आप खुद करोगे, हो गया नोट, हो गया क्वेश्चन नोट। रिविजन करो भाई, रिविजन करो, हाँ रिविजन करो प्लीज। हो गया नोट, चलो हिंट दे रहा हूं आपको, क्या बोला है, सम ऑफ मनी बिकम थ्री, देखो सम लिखा है तो ये प्रिंसिपल है, सम मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है, लेकिन आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे ही नहीं रखा है, तो मैंने प्रिंसिपल को पी ही मान लिया, नोट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल को मैंने क्या माना, पी माना है, क्योंकि प्रिंसिपल कुछ भी हमें यहाँ दे नहीं रखा है, ओके, तो मतलब प्रिंसिपल हमें पी ही रखना है। अब बोला है कि जो प्रिंसिपल है, जो कुछ पैसा है, वो बिकम, वो हो जाता है 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ, वो अपने आप का 3 टाइम हो जाता है, इस बात को समझे, कुछ पैसा है वो अपने आप का 3 टाइम हो जाता है। मान लो आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, और बोला गया कि ये अपने आप का 3 टाइम हो गया,
गुना हो गया, गुना मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम मतलब 1 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 into 3, 1 into 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। 1 रुपया था, 1 रुपए का क्या हो गया, 3 रुपए हो गए, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन में कि जो कुछ प्रिंसिपल है, कुछ पैसा है, हमने, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1 रुपया है तो वो 3 टाइम हो गया उसका 3 रुपये। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि 10 रुपये होते तो 10 रुपये का 3 टाइम कितना होता, 10 into 3 मैं कर लेता तो वो कितना हो जाता, 30 हो जाता, 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला प्रिंसिपल है वो अपने आप का 3 गुना हो गया। अब थोड़ा आपने ये दिमाग लगाना है कि कुछ पैसा, कुछ हमने लोन लिया, ठीक है, अब वो अपने आप का क्या हो गया, 3 टाइम हो गया। तो जो ये 3 टाइम हो रहा है वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका अमाउंट, वो कहलाएगा आपका क्या, अमाउंट कहलाएगा, ठीक है भाई। मैंने आपको 5 रुपए का लोन दिया, कुछ टाइम बाद वो हो गया आपका 15 रुपए, कुछ टाइम बाद वो हो गया आपका 15 रुपए, तो ये 15 क्या हो गया, ये 15 हो गया आपका क्या, अमाउंट। अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, समझ रहे बात को, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट वहां पे कितना हुआ होगा, ठीक है। चलो देख लो, अमाउंट है हमारे यहाँ पे कितना। अब थोड़ी मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल मैंने पी माना है, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर मैंने प्रिंसिपल पी माना है और अमाउंट बोल रहा है कि वो अपने आप का इट सेल्फ, 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ, अपने आप का प्रिंसिपल पी है ये, अपने आप का 3 टाइम हो रहा है, तो मैं अमाउंट में क्या लिखूंगा बताओ, मैं अमाउंट में क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है इस चीज को। तो अगर प्रिंसिपल पी है और ये प्रिंसिपल का अपने आप का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, कौन बोलेगा इसको, कौन बोलेगा यार इसको कि मैं कैसे लिखूंगा। वेरी गुड, माधव ने सही बोला, 3x। एक्स आपने इसलिए बोला, आपने प्रिंसिपल को अगर एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान लो, मैंने पी ही माना है तो मैं इसके हिसाब से अमाउंट को क्या लिख लूंगा, 3 into p लिख लूंगा, 3p, ठीक है, उनके बीच में मल्टीप्लाई है। वेरी गुड, बहुत बड़े सर, 3p, बहुत सही, समझिए 3p, क्योंकि क्या बोला था, प्रिंसिपल का 3 टाइम, 3p हो गया, हमने लिख लिया। फिर बोला है इन 4 ईयर, टाइम अब आपको दे दिया कितना, टाइम दे दिया आपको कितना, 4 ईयर्स का आपके पास टाइम दे दिया, एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है, फाइंड द रेट, रेट मुझे फाइंड करना है, रेट मुझे फाइंड करना है। अब आपको ये बात भी पता है कि सर रेट फाइंड करना है कहाँ पे, जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, SI into 100 डिवाइडेड बाई PT, ठीक है, इसमें पी प्रिंसिपल है हम पे, टाइम है हम पे, प्रिंसिपल हमने पी ही माना है, चलो टाइम हम पे दे रखा है 4 ईयर, SI हम पे नहीं है। अब आप क्लियर क्लियर यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि सर हमें SI कहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, SI इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है आपका कितना 3p, माइनस प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमने पी ही मान रखा है, प्रिंसिपल हो जाएगा पी इज इक्वल टू SI, 3p माइनस पी करोगे आपको कितना मिलेगा, 2p आपको मिल जाएगा, ये कितना हो गया SI, 2p आपको मिल गया, ठीक है। चलो हमने रेट इज इक्वल टू SI की जगह हमें कितना मिला, 2p मिला, इंटू में क्या है 100 है, डिवाइडेड बाय पी इंटू टाइम कितना है आपके पास, 4 ईयर आपके पास टाइम है, देखो पी से पी कैंसिल, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, 2 से 100 कैंसिल, 250 जा 100, बस हमें जो रेट मिल गया 50 मिल गया, सब कुछ सॉल्व हो गया, 50% हमारा यहाँ से आंसर आना है, आ भी रखा है आंसर, किसका, सरन्या का आंसर आया था, वेरी गुड, 50%, ठीक है। किसी ने इसको एक्स भी माना होगा, अगर उसने यहाँ पे एक्स माना तो फिर अमाउंट उसका 3x हो गया, फिर उसने यहाँ पे SI निकाला होगा, SI निकलेगा उसका 2x, तो यहाँ उसने 2x रखा, यहाँ उसने x रखा, x से x कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं बोलता हूँ ना बार बार कि आप अपने हिसाब से कैसे भी करोगे, बस सही करना जरूरी है, बाकी किसी भी, कोई इधर से जाएगा, देखो हमें यहाँ पहुंचना है, कोई यहाँ से जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा, कोई एकदम से यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो जो कोई शॉर्ट जा रहा है, कोई लॉन्ग जा रहा है, अपने हिसाब से सब जा रहे हैं, बस सही तरीके से जाना है, बाकी कहीं से भी जाओ, 100 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान लो। देखो अगर आप 1 भी मानोगे, हमने क्या करा, प्रिंसिपल हमने मान लिया 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया। फिर यहाँ से देखो SI कितना हो जाएगा, 3 - 1 करोगे 2 हो जाएगा, आप फॉर्मूला रखोगे रेट इज इक्वल टू SI 100/PT, ठीक है, तो SI कितना आया, 2 आया, इंटू में 100 है, प्रिंसिपल हमने कितना माना, 1 माना, इंटू टाइम आपके पास कितना है, 4 है, यहाँ से भी वही कैलकुलेशन होगी, देख लो 50%, आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है, आंसर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, हैंड रेज कर रहा है, कोई कोई कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक,
चलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो बताओ, इसको समझना, किसी को कोई दिक्कत हुई कोई परेशानी हुई तो बताओ भाई, बोलो। सारी चीजें क्लियर है? कुछ भी आप वैल्यू मानोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चले आगे, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? समझ आ रही है चीजें? समझ आ रही है चीजें? प्रैक्टिस चाहिए भाई, प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी दिमाग चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए। बाकी क्वेश्चन आएंगे ठीक है, टेस्ट वगैरह में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आपको करना है। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट आपको फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट पेबल ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेबल मतलब जो देना पड़ेगा ठीक है, जो पे करना पड़ेगा, जो पेबल है, जो पे करना पड़ेगा, पेबल ऑन रुपीज 2000, 20,000 कर लेते हैं, ऑन रुपीज 20,000 फॉर 6 months, 20,000 फॉर 6 months एट 5%, एट 5% पर एनम, एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट पेएबल ऑन रुपीज 20,000 फॉर 6 month एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कैसा समझ गए? बताओ तो ट्राई करो समझने का, ट्राई करो क्वेश्चन समझने का। इतना तो क्लियर हो गया कि सर हमें अमाउंट फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट पेएबल, फाइंड द अमाउंट पेएबल ठीक है, जो हमें पे करना पड़ेगा ऑन रुपीज 20,000 पर, 20,000 पे। इट मीन्स 20,000 क्या है? प्रिंसिपल है, 20,000 क्या है? प्रिंसिपल है फॉर 6 month, 6 month है तो वो क्या है? वो टाइम है, टाइम कितना है? 6 month है। मैंने आपको बार बार बोला है कि टाइम को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। देखो आपके पास अगर मंथ दे रखा है, ध्यान से देखो इसे, आप नोट में लिख लो, इसे आप लोग नोट में लिख लो, अगर आपके पास ये नोट में लिख लो, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, मंथ है, मंथ को हम क्या कर रहे हैं, मैं पहले ईयर को लिख लेता हूँ। जब भी ईयर दिया गया होगा, ईयर को जब भी हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करते हैं पहले ठीक है। ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 है, ये बात सबको पता है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। और अगर आपको मंथ में क्या करना है, अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, 12 से हम डिवाइड करते हैं। ये आप लोग अपने पे नोट बना सकते हो ठीक है, वैसे ये बात आपको पहले से पता भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। टाइम देखो यहाँ पे 6 month दे रखा है, टाइम यहाँ पे 6 month दे रखा है, हमने इसे ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 6/12 कर लूंगा, 6 1 6, 6 2 12, मुझे मैंने इसे रिड्यूस कर लिया, 1/2 ईयर्स ही हमें मिल गया, आधा साल हमें यहाँ पे मिल गया ठीक है। और क्या दे रखा है, रेट मुझे दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि हमने 2000 प्रिंसिपल ले रखा है, आधे साल के लिए ले रखा है, 5% रेट पे ले रखा है, तो हमें यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता रखा है जो भी हम प्रिंसिपल लेते हैं, जो भी हम लोग क्या लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं, और वहां पे हमें क्या करना होता है, जो टोटल हमें देना होता है उस टोटल को हम क्या कहते हैं, अमाउंट। और वो क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमने लिया है उसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, और वो एक्स्ट्रा क्या है, वो इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ आ गई? हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास पता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल हमें पता है लेकिन एसआई नहीं पता है, तो पहले मैं ऐसे इस बारी क्या करूंगा, एसआई निकालूंगा। एसआई का फॉर्मूला आपके पास है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है,
इंटू में रेट कितना है, रेट 5% है, इंटू में टाइम कितना है, 1/2 है, बता रखा है 2 जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू में 100 तो ये ऑलरेडी है, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 से आपने 200 को कैंसिल कर दिया, 2 1 2 0 0 यहाँ बचा 100, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 100 × 5 × 1, 105 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको अमाउंट इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ करना था, यहाँ करना था आपको अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है, प्लस SI कितना आया, 500 आया, इसे प्लस करोगे आपको कितना मिलेगा, 0,0502 2 0 20,500 आपका आंसर आएगा। आया था भाई, कहाँ गलत हुआ सरन्या, कहाँ गलत हुआ, माधव का सही था, माधव का सही था, 20,500, वेरी गुड सरन्या, 21,500 कैसे आएगा, मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, आई मीन मिस टाइप तो नहीं हुआ, टाइप करते पता नहीं, एवी नाउ 25,000 कैसे आएगा, थोड़ी आपने शायद आपने उसे डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर लिया कि 20,000 + 5,000, ऐसा तो ऐड नहीं कर लिया, ऐसा तो समझ नहीं आ गया, ऐसे करके या तो ऐड करा आपने तब जाके हुआ वैसा, तो इस तरीके से होना था भाई, सॉरी का 550 500 ऐसा क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ी घुमा फिरा के आएंगे, डायरेक्ट आएगा, मैं कई बार ही बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आपने, आपको मैंने प्रिंसिपल दे दिया, रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, बोला जाएगा SI निकालो, आप तो वैसे ही बिल्कुल आंख बंद करके निकाल लोगे और हर कोई निकाल लेगा, ठीक है, लेकिन जब आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें कहाँ से वैल्यू कनेक्ट करनी है, कहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, किस वैल्यू को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जब आप ये सारी चीजों पर थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो ये फिर कुछ बात बनेगी, ठीक है, समझिए, समझिए भाई, ऐसे करना पड़ेगा आपको, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमने सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन की तो हम लोगों की प्रैक्टिस जारी रहेगी, जो भी आपके टेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आपको दिख रहा है आपके टेस्ट आ रहे हैं, मेन क्वेश्चन आपके ये है जो मैं क्लासेस में करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी वहाँ आपके कई सारे धमाकेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर हम इसमें और चैप्टर करेंगे, ठीक है, एक आपका अभी तक हमने मेन चैप्टर क्या क्या कर लिया, रेशियो भी कर लिया, परसेंटेज भी कर लिया, प्रॉफिट भी कर लिया, SI भी कर, सिंपल इंटरेस्ट भी कर लिया, अच्छा एक स्पीड वाला एक बार, या तो हम स्पीड वाला कर लेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है ना चैप्टर पढ़ा होगा आपने, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, या तो एक बार वो कर लेंगे, ठीक है, बस काफ़ी सारी चीज़ें तो आपकी कंप्लीट हो गई लगभग लगभग, है ना, बाकी भाई प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, चीज़ों को आपने बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है, बाकी फिर आपका कौन सा वाला आएगा, जियोमेट्री वाला पोर्शन आएगा, जियोमेट्री क्या ट्राइंगल लाइन वगैरह, लाइन एंड ट्राइंगल वगैरह आएंगे, है ना, फिर हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपका मेंसुरेशन जिसमें एरिया पेरीमीटर हमें निकालना होता है ना, उसको करेंगे, बस ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो गया, मैथ भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक हाँ एक वो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला आता है, एक वो का आपको करवाना पड़ेगा, है ना, फिर आपका क्या रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन हल्का फुल्का वो भी करवा लेंगे, है ना, डेटा वगैरह भी आता है, बस बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, दबा के जितना हो सके चीज़ों को बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वर्क एंड टाइम ऐसा अलग क्वेश्चन, वो यूनिट रिमेथड से ही हो जाएगा, वो वर्क एंड टाइम वाला, वो जो नहीं करवाते M1 D1 M2 D2 करवाया था ना, उस तरीके से आएगा वो, ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ आपका एकदम से अलग से आते नहीं है, बाकी फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि क्वेश्चन प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सारा कुछ करवाया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, बस प्रैक्टिस करते रहो दबा के, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार उनको पढ़ो, बार बार उनको लिखो, बार बार उनको रिकॉल करो अपने माइंड में, ताकि वो आगे के लिए आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और आप एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आ जाओ, देखो इतना सारा कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिस दबा के करनी है, मेन चैप्टर क्या है इसमें, रेशियो से स्टार्ट हुआ आपका, रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI अभी तक ही है, बाकी वो तो हर चैप्टर में उसका यूज होना है, जितना हमने उससे पहले तक पढ़ा है वो हर चैप्टर में आपका यूज होना ही होना ही होना ही होना है, डेसिमल को रिवाइज करो बढ़िया से, है ना, तब जाके कुछ बात बनेगी ना, नहीं तो फिर परेशान रहोगे और उनको भी परेशान करोगे, ठीक है, ओके
तो इस तरीके से करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, बता देना। बाकी मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड कल संडे है तो देखते हैं, कल या तो आपका टेस्ट वगैरह डालता हूँ मैं फिर, ठीक है। बाकी जैसा भी है बढ़िया से अपना करते रहो, जिसके पहले के लेक्चर छूट रखे हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करने का ट्राई करो, है ना, उन लेक्चर को अच्छे से निपटा लो। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपका फीडबैक है, कुछ भी आपका सजेशन है तो बता दो। बाकी आई एम श्योर कि सब आपका बेस्ट चल रहा होगा, बढ़िया आप लोग कर रहे हो, ठीक है। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ी कर रहा है, और बढ़िया से अपना फोड़ते रहो क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैवी, ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहां जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीजें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेज स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।